आई गॉट रॉब्ड यार। नहीं मतलब इसका हल भी सिर्फ जमात इस्लामी है। अस्सलाम वालेकुम बॉयज एंड गर्ल्स एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग जिस बारे में है उसके बारे में मैंने आप लोगों को बैक स्टोरी देनी है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मैं नाश्ता कर लूँ क्योंकि बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, और नाश्ता करने के बाद मैं आप लोगों को तफसील से इसकी बैक स्टोरी बता दूँ। तो आज हम लोग इस अंडे को एक हाथ से तोड़ने की कोशिश करेंगे। आज तक कभी मैंने पहले ये ट्राई नहीं किया, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। डर लग रहा है मुझे, बेड़ा वगैरह की ना हो जाए इसका। यहाँ पे मारो। अबे यार क्या हो रहा है, डर क्यों लग रहा है? अबे वो खुल ही नहीं रहा। अबे अंडा तो बहुत टाइट होता है। और तो अबे बेड़ा गर्क हो गया, लेकिन फिर भी इतना भी बुरा नहीं है, खाने के काबिल है। क्या मसला सह लेंगे थोड़ा सा यार। वो इतना पहले ही टूट गया था, मैंने ना उसको ना स्क्रैम्बल्ड एग ही बना लिया। लाइफ है अगर आप लोगों का अंडा टूट जाए तो आप लोग उनको स्क्रैम्बल्ड एग बना लो। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग माय कुकिंग क्लास। अगर आप लोगों को मेरा कुकिंग चैनल चाहिए तो आप नीचे कमेंट करें ताकि फिर हम लोग अपना कुकिंग चैनल भी खोल सकते हैं। इस पर ब्लॉग डालता हूँ नहीं मैं, कुकिंग चैनल पर डालूंगा। सो आई एम डन ईटिंग माई नाश्ता, और अब जाने का टाइम बहुत थोड़ा रह गया है, सिर्फ 15 मिनट है 12 बजने में। 12 बजे वहाँ पे मैंने पहुँचना था क्योंकि जो फंक्शन है प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन वाला वो 12 से लेके 2 बजे तक का है। तो मैं जल्दी जल्दी से आप लोगों को इसकी बैक स्टोरी बताता हूँ। स्टोरी कुछ ऐसी है कि जिस इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ता था वो कॉमर्स का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। तो अब उनका कोई इंस्टाग्राम का पेज था और उसके ऊपर टैलेंट हंट के हवाले से उन्होंने कोई पोस्ट लगाई हुई थी। उस पर लिखा हुआ था कि अगर आप लोग वीडियोग्राफी करते हैं या फोटोग्राफी या आप लोग व्लॉगिंग वगैरह करते हैं और अपना टैलेंट हम लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो अपनी एंट्रीज आप हमारे पास दे दें और हम लोग आपको जज करेंगे। अगर आप लोगों का कंटेंट वगैरह हम लोगों को समझ आया, यानी मतलब पसंद वगैरह आया, तो आप लोगों को प्राइजेस वगैरह मिलेंगे। तो ये बात तकरीबन जब मेरे पेपर्स हो रहे थे, तकरीबन 2-3 महीने पहले की बात है। उस टाइम मैंने तफरी के अंदर मैंने दे दिया था ब्लॉग और मैंने बोला कि क्या ही फ़र्क पड़ता है, मैंने उनको एंट्री दे दी। और फिर उसके बाद मैं भूल गया, मुझे लगा शायद प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हो गई, सब कुछ हो गया है, ख़त्म हो गया। लेकिन आज से एक हफ्ते पहले मुझे कॉल आती है कि हमारे इंस्टीट्यूट में टैलेंट हंट की प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह है। तो वो कहते हैं आप मोहम्मद आरुण बात कर रहे हैं? मैंने बोला जी। उन्होंने बोला आप लोग आपने अपना व्लॉग सबमिट करवाया था तो हम लोगों ने एक प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हो रही है हमारी, तो आप इनवाइटेड हैं वहाँ पे, बाकी सारे कैंडिडेट्स को भी बुलाया है, तो जो जीतेगा तो उसको प्राइज़ वगैरह मिलेगा। और इसी वजह से आज मैं अपने इंस्टीट्यूट जा रहा हूँ, होपिंग फॉर द बेस्ट के देखते हैं कौन जीतता है कौन नहीं जीतता। सो बस निकलते हैं अब। सो यह आई एम रेडी, और बस अब बस टाइम हो गया, टाइम से ज़्यादा ही हो गया, बस अब जूते पहनने हैं। बाय द वे लुक एट माय न्यू शूज, चेक करें सड़ो आप लोग घर में बैठ गए, आई एम सो सॉरी। बाकी बस अब जूते पहनते हैं और फिर उसके बाद निकलते हैं। पहुंच तो गए हैं लेकिन अब पार्किंग ढूंढनी है, पार्किंग मिल गई। ठीक है, इतना बुरा भी नहीं लग रहा, चलते हैं अब। Swipe, share, hate used to be rare. Now you see it everywhere. Man wants to be radical and take away life. Behaving like an animal, you see it in his eyes. Load up his weapon, walking aim. So, Alhamdulillah, likewise, TSA has been able to achieve the nationwide position in paper F4 taught by Sir Farooq Mirza, and we also got a top affiliate, Yusha Yusuf, in June 2022. So, give a big round of applause for that. Many of our students participated, and today it's the time to announce the winners of that competition. For the second position in poster designing and third position in blog writing, I would like Sir Hamad to do the honors. Sir Hamad. Of blog, and we only have one winner, and that is. तालियां। यहाँ तक सब कुछ सही था, ऑल्दो मैं नहीं भी जीतता था लेकिन आई वॉज हैप्पी, मैंने बोला जो डिजर्विंग होगा वो जीत गया होगा। लेकिन
जब मैं घर आया और मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी कि कौन जीता है, तो मुझे पता चला कि जो बंदी जीती थी, she doesn't even have a YouTube channel. What did he say? She won on the basis of her Instagram public profile, जिसके ऊपर वो reels वगैरह बनाती है. मतलब I got robbed यार. ना सिर्फ मैं, बल्कि हर वो बंदा जिसका असल में YouTube चैनल था और वो व्लॉग बनाता था और उसने एंट्रीज दी इस व्लॉगिंग कंपटीशन में, दे ऑल गॉट रॉब्ड. नहीं मतलब इसका हल भी जमात इस्लामी है क्या? लेकिन खैर वाली बात है यार, पाकिस्तान है, होता रहता है यहाँ पे. और मैंने उसके नाम पे ब्लीप भी इसलिए लगा दिया, आई डो नॉट वॉन्ट एनी वन टू हेट ऑन हर. जो भी है, जैसा भी है, आई एम ओवर इट. खैर वाली बात है, व्लॉग कंटिन्यू करते हैं. जीते तो नहीं, बट इट्स ऑल गुड. केक मिला, अब केक खाएंगे. वी आर बैक होम. और जीते तो नहीं, अगर जीते होते तो अभी मैं तुम लोगों को इमोशनल स्पीच दे रहा होता. सो गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो. क्योंकि मैंने अभी पिछला व्लॉग भी, मेरे एक दो व्लॉग पड़े हुए जो मैंने एडिट करने हैं, उसके बाद ये वाला व्लॉग भी एडिट करना है. आई डोंट नो व्हाई मेरा एडिट करने का व्लॉग्स बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा. रीजन ये है कि मैं जो भी व्लॉग्स मेहनत से एडिट करके डाल रहा हूँ, उन पर बिल्कुल रीच अच्छी नहीं आ रही. तो अगर तुम लोगों ने ये वाला व्लॉग नहीं देखा हुआ, तो वीडियो के एंड में कार्ड आएगा, वहां से क्लिक करके देख लेना. बाकी मैं तुम लोगों से मिलता हूँ जल्दी से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि कंसिस्टेंट रहना है. पता नहीं क्या हो जाता है थोड़े थोड़े दिनों के बाद. जल्दी से तुम लोगों से थोड़े दिनों के बाद मिलता हूँ. अपना ख्याल रखना, बाकी लोगों का भी ख्याल रखना. अल्लाह हाफिज़.